हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। सांसदों को मिलने वाला सस्ता खाना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश के एक आरटीए कार्यकर्ता ने इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर सब्सिडी वापस लेने की मांग की है। गौरतलब है कि संसद की कैंटीन में बाजार दर से बेहद कम दाम पर खाना मिलता है। आरटीए कार्यकर्ता का कहना है कि जब पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की सब्सिडी वापस ली जा सकती है तो फिर संसद की कैंटीन की क्यों नहीं। दाल 2 रुपए, चपाती 1 रुपए, ब्रेड बटर 5 रुपए, सादा बड़ा 2 रुपए। चौंकिए नहीं, ये तो महज एक नमूना है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की कैंटीन में नाश्ता हो या खाना इसी रेट पर मिलता है। इस सस्ते खाने की वजह है संसद की कैंटीन को मिलने वाली सब्सिडी। बाजार में कीमतों के दाम आसमान छू रहे हैं। 2 वक्त की सब्जी खरीदने में पसीना छूट रहा है। यहाँ तक कि आलू भी 40 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे वक्त में हमारे माननीय सांसदों को बेहद सस्ते दाम पर खाना मिल रहा है। लेकिन अब सांसदों को मिलने वाले इस सस्ते खाने पर सवाल उठ गया है। मध्य प्रदेश में नीमच के जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में कहा है कि सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी वापिस ली जानी चाहिए। गौड़ ने लिखा है कि जब सरकार एक एक करके आम जनता से जुड़ी अधिकतर चीजों मसलन पेट्रोल डीजल बिजली जरूरतमंद यात्रियों के तत्काल रेलवे टिकटों को बाजार के हवाले करने के बाद अब सक्षम नागरिकों से राष्ट्रहित में घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही है। ऐसे में अच्छा होगा कि यदि संसद कैंटीन में भी बाजार दरों पर भोजन परोसा जाए। वर्तमान लोकसभा में 441 सांसद करोड़पति हैं, इसलिए लोकसभा बाजार दरों पर खुद के भोजन का भार उठाने में सक्षम भी है। इससे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। लोकतंत्र और देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम होगा। गैस की सब्सिडी त्यागने के लिए अपील की जाती है कि राष्ट्रीय में आप अपील कर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर छोड़ें, तो ऐसी स्थिति में तो ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे सम्माननीय सांसदों को संसद कैंटीन के अंदर भी बाजार दर के ऊपर भोजन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। आखिर वो सक्षम है, अपने भोजन का भार उठा सकते हैं, इसमें गलत क्या है। हालांकि बहुत से सांसदों का तर्क है कि हर सांसद करोड़पति नहीं है। इसके अलावा इस सुविधा का लाभ केवल सांसद ही नहीं उठाते। बहुत से सांसद ऐसे होंगे जो गरीब घर से आए हैं, शोषित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, और उसको अगर दिल्ली के रेट पर मैकडोनल्ड्स का भोजन मिलेगा तो शायद उसकी तनख्वाह उसी में निबट जाएगी। सांसद के मित्र, सांसद के अन्यान्य लोग, अन्यान्य और 1200-1500 तो सिक्योरिटी के लोग हैं वहाँ पे, सांसद तो सिर्फ 800 हैं। इसलिए खाली सांसदों पे गुस्सा निकालना ये अच्छा नहीं। गौड़ ने कुछ दिन पहले ही आरटीआई के जरिए संसद की कैंटीन का पूरा मेन्यू हासिल किया था, जिसमें कीमतों का पूरा ब्यौरा भी दिया गया था। जाहिर है, एक ऐसे समय में जब देश की एक बड़ी आबादी को सरकार भोजन का अधिकार दे रही है, सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च किया जा रहा हो, सांसदों को इतना सस्ता और सब्सिडाइज्ड खाना मुहैया कराने का क्या मतलब है? क्या इससे हमारी सियासी जमात को लेकर आम जनता में गलत संदेश नहीं जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो चलिए, आज का मुद्दा हमारा यही है, क्यों ना बढ़ाया जाए संसद की कैंटीन के भी दाम। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय मैं करा देती हूं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता संजय निरुपम, इसके अलावा राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब हमारे साथ हैं, इनके अलावा पटना से जेडीयू नेता अजय आलोक जी भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता जो कि पार्लियामेंट भी कवर करते हैं विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, पार्लियामेंट आप बहुत समय से कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है, क्यों ना बढ़ाया जाए कैंटीन के दाम?
बिल्कुल नवजोत, हालांकि मैं अभी पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं और इसके अंदर की जो चार कैंटीन्स हैं जहां पर अलग अलग वक्त पर हम सेशन के दौरान खाना खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके कई पहलू हैं। देखिए, सिर्फ सीधे शब्दों में ये कह देना कि संसद की कैंटीन के अंदर लजीज खाना मिलता और उसका दाम घटा देना चाहिए, इसे इस शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद अदीब साहब बैठे हैं, ये राज्यसभा के मेंबर हैं। इन्हें याद होगा कि 30 जुलाई को राज्यसभा की सांसद जया बच्चन ने एक मामला उठाया था संसद के अंदर। उन्होंने कहा था कि संसद की कैंटीन का खाना खाकर मैं और रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बीमार हो गए थे। उन्हें एम्स में भर्ती करवाना पड़ा था। उसके बाद खासा बवाल मचा था। कुछ साल पहले संसद में कैंटीन के अंदर सिलेंडरों की समस्या को लेकर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद में खाना बनवाना बंद कर दिया था। अब संसद के अंदर पैक्ड फूड आता है, वो पैक्ड फूड सुबह सुबह आता है और शाम तक सर्व होता है। तो संसद के खाने की क्वालिटी को लेकर भी बहुत सवाल उठे हैं, उस पर सांसदों ने बहुत सवाल उठाए हैं। तो मैं ऐसे में ये कह सकता हूं कि ज्यादातर सांसद जो है वो संसद की कैंटीन में खाना खाते ही नहीं है। तो इसलिए सीधे तौर पर ये कह देना कि सांसदों को सस्ता खाना मिलता है, मुझे लगता है कि सही नहीं है। संसद की कैंटीन के अंदर नवजोत सैकड़ों संसद के कर्मचारी खाना खाते हैं और दूसरी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अगर उन्हें सस्ता खाना क्यों दिया जा रहा है, अगर ये सवाल उठाया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा मौजू होगा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, जो मेन्यू कार्ड आपने बताया कि 2 रुपए की दाल, 1 रुपए की चपाती, 5 रुपए का डोसा, ये तमाम चीजें हैं जो वाकई बाजार रेट से अगर हम मुकाबला करते हैं तो संसद का खाना बहुत सस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। संजय निरूपम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है, क्या सब्सिडी वापस ली जानी चाहिए? क्योंकि इसको लेकर सवाल भी उठे हैं, अब चाहे वो क्वालिटी हो या फिर सिलेंडरों की समस्या हो जो कि काफी समय से चलती आ रही है। देखिए, सब्सिडी वापस लेनी है नहीं लेनी, इस बारे में तो लोकसभा के स्पीकर महोदया को निर्णय लेना है। जहां तक संसद के सस्ते कैंटीन का सवाल है, हाँ बहुत ही सस्ता खाना मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि सारे सांसद संसद की कैंटीन का खाना खाते भी नहीं है। मैं स्वयं नियमित तौर पर संसद की कैंटीन में खाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, कभी महीने में एक आध बार खाया भी तो खिचड़ी खाया। ज्यादातर खाना ऐसा होता है जो सांसदों को पसंद नहीं है। बहुत सारा खाना ऐसा होता है जो या तो डायबिटीज का कारण बन सकता है या फिर आपके हार्ट के जो मरीज है उनके अनुसार नहीं होता। बहुत सारे एमपी जैसे होते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो संसद के कैंटीन का खाना सांसदों के लिए ही और सांसद बहुत मजे से खा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये निष्कर्ष निकालना भी अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है संजय जी, लेकिन सवाल ये यहाँ पर संजय जी इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे देश की एक आबादी ऐसी भी है जिनके पास खाना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत से इलाके जो सूखे से प्रभावित हैं, उन तक खाना नहीं पहुंच रहा है और यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही सस्ता, वो लोग जो कि आराम से चीजें अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इतनी सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध हैं और वो भी सांसद, आप खुद ही बता रहे हैं कि सांसद नहीं खाते हैं खाना, तमाम दूसरे लोग इस तरह की फैसिलिटीज को अवेल करते हैं। बिल्कुल दूसरे लोग मतलब संसद से जुड़े हुए लोग या संसद में काम करने वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं। अगर सरकार इसको बंद भी कर देती है और सस्ते दर पे खाना नहीं देने की परंपरा शुरू करती है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सांसदों को तकलीफ होगी। हाँ, कुछ परसेंट होंगे जो दूर दराज गांव से आते हैं, बहुत साधारण परिवार के होते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी उनसे भी ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो 24 घंटे कैंटीन में बैठे रहे या फिर सेंट्रल हॉल में बैठ के खाना खाए। आखिरकार भारत सरकार या संसद की तरफ से उनको घर दिया जाता है, घर में किचन होता है, काम करने वाले लोग होते हैं तो घर का खाना खा सकते हैं। तो बहुत जरूरी नहीं है कि सस्ते दर पे सांसदों को खाना उपलब्ध कराया जाता रहे, इसको कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू या रोका जा सकता है। ठीक है मोहम्मद अदीब जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इतनी सस्ती दरों में, और अगर मेरे पास रेट लिस्ट भी मौजूद है, मैं अगर गिनवाना चाहूँ कुछ एक चीजें मैं गिनवा देती हूँ, जिसमें फिश फ्राई आप ले लीजिए 15 रुपए 10 पैसे की मिलती है, 350 रुपए की फिश है जो कि वहां पर अगर आप खाएंगे तो 15 रुपए की मिलेगी, मटन की जो प्लेट है वो 10 रुपए की मिलेगी और 400 रुपए किलो मटन का भाव है अगर हम बाजार रेट से देखें। इसके अलावा तमाम चीजें हैं जिनका जिक्र अभी नहीं करूंगी, लेकिन ये बताएं कि सस्ता खाना क्या सियासतदानों के प्रति लोगों के जहन में एक गलत मैसेज नहीं जाएगा फिर? देखिए, लोगों के जहन में तो ऑलरेडी ये परसेप्शन आ चुका है कि इस मुल्क में सब ठीक हो रहा है, सिर्फ भ्रष्ट लोग पार्लियामेंट में रहते हैं और सब ये परसेप्शन है कि सारे रईस लोग पार्लियामेंट में रहते हैं। मैं आपसे कहूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे के बहुत नीची दर पे लोग वहां हैं। ये गलत भी नहीं मोहम्मद अदीब जी, मैं रोकना चाहूंगी, 441 सांसद करोड़पति हैं।
देखिए करोड़पति तो मुझे मालूम है किस तरह से होते हैं, कि मेरा भी कभी एक घर हुआ करता था, मेरे बाप दादा ने छोड़ा था, जो झोपड़ी की शक्ल थी, आज अभी लखनऊ से लौटा हूं, पता लगा उसकी 1 करोड़ कीमत लग गई तो मैं भी करोड़पति हो गया। अरे करोड़पति की हैसियत को तो समझिए, ये मसला ये नहीं है। मसला जो अभी हमारे साथी पत्रकार साथी ने कहा कि वो मसला है कि वहां पर खाने की क्वालिटी बिल्कुल नीचे जा चुकी है। मेरे साथी अभी निरुपम ने कहा कि ज्यादातर लोग इस पोजिशन ही में नहीं कि वहां खा सकें, लेकिन एक सहूलियत उनके लिए ये है कि वो लोग बाहर दिल्ली में रहते नहीं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, हाउस में कभी कभी हाउस 9-9, 10-10 बजे तक चलता है, एक उनको ठिकाना मिला है कि वो कुछ सस्ता खाना खा लें। मैं समझता हूं इस पर कोई हिंदुस्तान की इकोनॉमिक नहीं बैठी जा रही है, सिवाय इसके परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। हम लोग तो इस कोशिश में राज्यसभा के लगे हुए थे जब जय प्रधान जी ने बात मसला उठाया था कि भाई रात का खाना जाने कई दिन का खाना खिला देते हैं और आदमी जा नहीं सकता कि वो मालूम हुआ कि आधे घंटे का ब्रेक हुआ है, आप जल्दी से खा पी के वापिस आइए हाउस में, हाउस में बहस करनी है। अब अगर कोई संजीदा किस्म का पार्लियामेंटेरियन जो हाउस में अपनी प्रेजेंस रखता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कहीं सस्ता खाना है दिल्ली में ढूंढता फिरे और सस्ता खाना खा के फिर हाउस में आए और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। मैं समझता हूं ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है और ये बातें इस तरह की निकालना, मैं चंद लोग हैं जो लोग पैसे वाले हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, 5 स्टार में खाना खाते हैं, आप उनको कितना ही महंगा खाना दे दीजिए वो तो वहीं जाके खाएंगे, लेकिन हम तो मजबूर हैं उसी में जाके खाएंगे इसलिए कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और ना हम अगर पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो सुबह हम जाते हैं और जब खत्म होता है तब लौटते हैं। मेरे ऐसे बहुत बड़ी तादाद पार्लियामेंट के लोगों की है। आपके लिए अगर कैंटीन खुली है तो आप ही लोगों की सुविधाओं के लिए ठीक है, कैंटीन चले बहुत तरीके से चले, लेकिन सब्सिडी कुछ ज्यादा ही दी जा रही है। अगर हम इसको बाहर के, आप देख सकते हैं महंगाई दर किस तरीके से कहां पर पहुंच गई, कितनी ज्यादा महंगाई, आलू आलू के भाव जो रोज हर सब्जी में डलता है 40-50 रुपए तक पहुंच गए हैं, और ऐसे में अगर हम संसद में जाकर ले तो 2 रुपए की प्लेट मिलती है। आपकी बात को अगर आपकी बात को हम मान लें, हमको रेल का किराया फ्री मिलता है वो भी छीन लेना चाहिए क्योंकि हम लोग रेल पे चलते हैं फ्री टिकट पे, फिर हमारा इलाज होता है वो फ्री होता है। तो अब जनता को ये कहना चाहिए कि भाई सांसद लोग करोड़पति हैं, अपना टिकट खुद खरीदें, अपना इलाज खुद करें, जो सुविधाएं हैं, क्योंकि वजह ये कोई नहीं समझता कि एक सरकारी नौकर और एक सांसद में फर्क क्या है। सरकारी नौकर जिस वक्त 5 बजे घर जाएगा अपने घर बार में रहेगा, हम लोग रात के 2 बजे और 12 बजे भी फोन आएगा हमारे पास कि साहब किसी ने थाने में पकड़ लिया है, हमारी रुदास सुनिए, न सुने तो अगली बार वो हरा देगा। हम तो 2 बजे रात के भी नौकर हैं, सुबह 2 बजे के भी नौकर हैं। हमारा ये कोई परसेप्शन नहीं देखता है कि एक जो प्रिविलेजेस हमको मिलती है, आप अगर पूरी दुनिया के पार्लियामेंटेरियन को देखिए, सबसे कम तनख्वाह हमारी होती है, 50,000 रुपया हमारी तनख्वाह है, और हिंदुस्तान के एक चपरासी को 35,000 और हमारे सिगरेटी को 80,000 मिलते हैं, इस पे कोई RTI क्यों नहीं निकालता। ठीक है, इसमें बाकी पर्क्स भी अगर मिला दिए जाएं तो वो काफी ज्यादा बनती है, मैं उसका जिक्र अभी बाद में करूंगी। मेरे साथ सुभाष अग्रवाल जी हैं जो RTI एक्टिविस्ट हैं, क्या ये सब्सिडी वापस होनी चाहिए? सुभाष जी देखिए, मैं अभी बड़े गौर से सुन रहा था सांसद महोदय की जो दलीलें थी, मेरा कहना तो ये है कि अगर रात को मिडनाइट सेशन तक चलता है और डिनर की वो है तो इतने सस्ते दरों पे देने से अच्छा तो ये है कि इन्हें मुफ्त खाने की वहां पे सुविधा दे दी जाए जब भी देर रात तक सेशन चले, और इसके साथ साथ इतनी भारी सब्सिडी इसे किसी लॉजिक में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अच्छा ये है कि वहां पे सांसदों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बने और वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर संसद की कैंटीन को चलाए, और जब भी ऐसी आवश्यकता पड़े कि भाई सेशन लेट नाइट तक चल रहा है या और कोई मजबूरी आ जाए, लंच ब्रेक नहीं हो सकता, तो उस हालत में आदरणीय सांसदों को फ्री में खाने की सुविधा दी जाए। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी, और इसका असर क्वालिटी पर भी पड़ता है। मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता ने ये बताया कि क्वालिटी किस तरीके से खराब वहां पर होती जा रही है। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनके अपने आप ये लोग अपने दरें निर्धारित करेंगे तो उसका जो गुणवत्ता है वो भी निर्धारण कर सकेंगे। ठीक है, अजय आलोक जी, आपका व्यू मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्यों ना जो दरें हैं उनको सब्सिडी वापस ली जाए।
नहीं, मेरा अपना बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें कि हमारे देश की सबसे बड़ी खामी ये है कि हम जिस व्यवस्था को एक बार पकड़ लेते हैं, जिस धर्रे को पकड़ लेते हैं, उस धर्रे से निकलने को तैयार नहीं होते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता है, संसद भवन है, सारे सांसद चुन के जाते हैं, राज्यसभा के एस्टीम सांसद हैं, हम क्यों किसी को मौका दें कि कोई हम पे खाने के लिए भी उंगली उठाए। और आजकल इस नई व्यवस्था में जब पिछले 10 साल से हम हर चीज़ में सब्सिडी कम करते जा रहे हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, ये सांसदों का ही निर्णय है, तो सबसे पहले शुरुआत इसकी सांसदों को अपने से ही करनी चाहिए। तो ठीक है, बेहतर है, ये अच्छा सुझाव है कि सांसदों को एकदम मुफ्त में भोजन करवाना चाहिए अगर हाउस रेट से चला गया तो, और नहीं तो ये सस्ते खाने का कोई औचित्य नहीं है। आप रेगुलर बाजार दर से खाइए जो भी खाना हो, खाने की क्वालिटी भी अच्छी रहे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है बिल्कुल सांसदों को कोई मौका नहीं देना चाहिए बाकी लोगों को कि कोई उनपे उंगली उठाए कि आप ये सस्ता खाना क्यों ले रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई सांसद नहीं है जो तीन वक्त का भोजन अपने दम पे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। नीरज, एक बड़ा अच्छा सुझाव है सुभाष जी ने यहाँ पर दिया है कि इतनी कम दरों में, क्योंकि इसका असर देखिए क्वालिटी पर भी पड़ता है, जैसे कि आप बता रहे थे इतनी कम दरों में वहां पर कैंटीन में खाना मिले, उससे अच्छा यही है कि उनको फ्री में खाना दे दिया जाए, इन केस अगर कि सेशन जो है वो लेट नाइट तक चलता है तो। बिल्कुल नवजोत, देखिए सुभाष अग्रवाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं निजी तौर पर उससे मुतमईन हूँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सांसद उससे मुतमईन है कि नहीं ये समझना पड़ेगा। 2002-2003 में टीडीपी के उस वक्त के सांसद यरन नायडू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसे कहा गया था कि सांसदों की कैंटीन में जो दाम है उन पर अपने विचार दीजिए और बाजार से तुलना करके नए दामों की लिस्ट दीजिए। उस कमेटी का कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन उसने अपनी राय नहीं दी। 2010 में एक कमेटी बनी थी, डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव उसके अध्यक्ष थे, उनसे कहा गया कि आप अपनी राय दीजिए, उनकी उसे लेकर भी बहुत माथापच्ची चलती रही। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि करीब 1.5 साल पहले संसद की कैंटीन में वेज खाने के अंदर तो नहीं, शाकाहारी खाने के अंदर तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो मांसाहारी खाना है, नॉन वेज जो थाली है या नॉन वेज जो दूसरी चीजें हैं, उनके रेट्स में काफी बदलाव हुए थे और वो करीब करीब डबल कर दिए गए थे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यही है कि वाकई कि सांसदों को अगर ये सवाल उठ रहा है कि सस्ता खाना सांसद खा रहे हैं तो उन्हें एक सोसाइटी बनानी चाहिए और इसे कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाना चाहिए। लेकिन नवजोत, मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि सांसदों को दी जाने वाली ये जो सुविधाएं हैं, ये खास तौर पर खाने की और बाकी जो सुविधाएं हैं, वो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से चली आ रही हैं। ये एक परंपरा है जो उस वक्त तय की गई थी। देखिए 441 सांसद भले ही करोड़पति हों कागज की लिस्ट पर, लेकिन 543 लोकसभा के सांसदों में से अगर एक भी सांसद ऐसा है जो अपने बाजार दरों से पैसा नहीं खा सकता है या जिसकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो उसमें बाजार दर पे खाना नहीं खा सकता है और दूसरी सुविधाएं नहीं ले सकता है, तो ये सुविधाएं उस सांसद के लिए दी गई हैं। तो जो सांसद सुविधाएं उठा रहे हैं उनकी बजाय जो नहीं उठा सकते उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये एक परंपरा है, लेकिन ये बात सही है कि इस पर विचार विमर्श की जरूरत है और इसे सुधारने की भी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं? मोहम्मद अदीस साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बड़ा अच्छा सजेशन यहाँ पर सुभाष जी ने दिया, मेरे सहयोगी नीरज ने भी इसका जवाब दिया। जी बहुत 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 अच्छा सुझाव है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई रिव्यू होना चाहिए। जब तक गरानी बढ़ रही है उस हिसाब से इसका रिव्यू होना चाहिए। जहां तक कोऑपरेटिव की बात है, ये अच्छा सुझाव है, लेकिन सांसद के अंदर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो यहाँ खाना होता है ये भी रेलवे की कैंटीन से हम लोगों को दिया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप ऐसे किसी आम आदमी को या किसी आम कॉन्ट्रैक्टर को आप ऐसी सिक्योर्ड एरिया में नहीं भेज सकते। कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पैसों की बात हो रही है मोहम्मद अदीस साहब, सिर्फ पैसों की बात हो रही है। ऐसे में जब सब्सिडी बाकी जगह से हटाई जा रही है, आपने कहा ना कोऑपरेटिव बन जाए और कोई आपस में बैठ के कोई कैंटीन की रेट कर लिए जाए, इसके ऊपर अभी अभी उन्होंने कहा हमारे साथी ने 2002 से इस पे अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, इस पे किसी को एतराज नहीं है और ये होना भी चाहिए कि आप 2-3 साल मार्केट की प्राइस को देखते हुए रिव्यू करिए और रिव्यू करिए, क्योंकि जो जब जब इन्फ्लेशन आता है उससे एक गरीब से गरीब और रईस से रईस आदमी सब अफेक्टेड होते हैं। दो कमेटियां बनाई गई लेकिन रिव्यू हुआ नहीं अभी तक, हुआ नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ कहना ये है कि ऐसी विचारधारा न बनाइए, ऐसा परसेप्शन मत बनाइए कि ये सब लूट के लिए हो रहा, ऐसा नहीं है। कुछ फैसिलिटीज पार्लियामेंट में दी गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, मैं समझता हूँ वो उसके मुस्तहक हैं, वो जायज है, उनकी काम की जो तरीका है उसमें जायज है वो, लेकिन अब वो
ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है सुभाष जी। देखिए मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके का परसेप्शन माननीय सांसदों के लिए आम जनता के मन में होता जा रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस परसेप्शन को हटाना हमारी संसद और सांसदों के खुद के हित में है, इसीलिए मैंने ये सुझाव दिया। और जो कॉपरेटिव सोसाइटी का मैंने सुझाव दिया है वो कॉपरेटिव सोसाइटी ये जो IRTC जो कैंटीन चला रही है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट दे सकती है। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना चाहिए और सांसदों की सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हमारे को अभी हाल में जो महाराष्ट्र सदन में जो घटना हुई थी इस तरह की घटनाएं भी नहीं हो जाएंगी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर इसका जो सारा कुछ समावेश है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैंने सुझाव दिया उसके अंदर समावेश हो सकता है। तो चलिए आज का मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं। RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने कहा है कि संसद में जो दाम है, संसद की कैंटीन के जो दाम है उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत कम दामों में चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। दामों की लिस्ट मेरे पास है, मैं कुछ एक की बात यहां पर करूंगी। मटन की प्लेट अगर आपको लेनी है जो कि 400 रुपए किलो बाहर से मिलता है लेकिन 10 रुपए 90 पैसे की प्लेट आपको मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप बॉइल्ड वेजिटेबल लेना चाहेंगे तो वो एक बाउल आपको 3 रुपए का मिलेगा, जबकि आप खुद अंदाजा लगाइए कि बाहर सब्जियों के दाम कितने ज्यादा हैं। आज की ही अगर कीमत की बात करें तो 45 रुपए तक आलू पहुंच चुका है। वेज कटलेट 6 रुपए में आपको मिल जाएगा और 6 रुपए 5 पैसे। हमारे साथ खास मेहमान मोहम्मद अदीब साहब हैं, ये MP हैं राज्यसभा के, इसके अलावा अजय आलोक जी हैं JDU से, और साथ ही साथ मेरे साथ सुभाष अग्रवाल जी हैं RTI एक्टिविस्ट। सुभाष जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, ये जो 4 रुपए 85 पैसे, 6 रुपए 5 पैसे, 12 रुपए 10 पैसे, ये जो पैसा है ये तो आजकल हमें देखने को भी नहीं मिलता है और यहाँ पर रेट जो है वो पैसों के हिसाब से लगाए गए हैं। सवाल देखने को मिलने का नहीं है, सवाल ये आधिकारिक तौर पर ये सिक्के बंद हो चुके हैं। अब मैं हमारे आदरणीय सांसद साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक प्लेट वेज कटलेट या एक प्लेट ऑमलेट अगर ये खरीदते हैं 6 रुपए 5 पैसे की तो ये कितने रुपए वहाँ पे करते हैं? 7 रुपए पे करते हैं या 6 रुपए पे करते हैं? या तो 5 पैसे का उसे जो काउंटर क्लर्क है उसको नुकसान हो रहा है या 95 पैसे का सांसदों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर हम बाजार में जाते हैं तो 1 रुपए और 5 रुपए के भी सिक्के उपलब्ध नहीं है, उसकी जगह भी कैंडी और चॉकलेट मिलती है। बिल्कुल, तो मेरे को पता नहीं कि ये 5 पैसे कैसे पे करते हैं और कैसे इन सांसदों की कमेटी ने, उन्हें क्या पता नहीं था कि सिक्के बंद हो चुके हैं ये 5 पैसे से लेके और 25 पैसे तक के, तो ये कैसे उन्होंने तय किए? एक बार जवाब ले लेते हैं सुभाष जी। मोहम्मद अदीब जी, आपसे है ये सवाल, सुना आपने जी बताइए। ये मैंने बहुत आपका दिलचस्प सवाल है, मैंने इस पर गौर नहीं किया, इस बार जाके देखूंगा कि सच में मैं 5 पैसे लूज कर रहा हूँ या कैंटीन लूज कर रही है। अच्छा आप ये बताइए अगर 6 रुपए 5 पैसे हैं तो क्या आप 7 रुपए देंगे या फिर आप 6 रुपए देंगे? मैंने इस पर गौर नहीं किया, मेरे ख्याल से 5 रुपए 5 पैसे कैंटीन लूज करती है मेरे लगता है जहां तक, इसलिए कि कुछ हम लोग टिप में शामिल कर देते हैं या तो वो उसको टिप को जो काम करते हैं उन लोगों के हाथ लगता होगा। कॉइन्स तो हमने कभी एक्सचेंज किए नहीं है, जाहिर है कुछ ज्यादा पैसे देते होंगे तो वो लोग शेयर करते होंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की, इस पर मैं ध्यान दूंगा। ये सच बात है कि ये जो सिक्कों की बात है वो तो एक्सचेंज होते मैंने वहां देखे नहीं है। ठीक है, अजय आलोक जी बिल्कुल ये ठीक। और मैं एक बात और भी आपकी निगाह में, अब आप आमने सामने हैं ही तो आपके निगाह में एक बात और भी डालना चाहूंगा। आप बाजार में जाते होंगे तो 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के न होने से कैंडी और चॉकलेट लेनी पड़ती है, कृपया ये भी मैटर को जरा आप देखिए। ठीक है अजय आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट को रिवाइज करने की बात तो हम कर ही रहे हैं लेकिन 2 बार कमेटियां बिठाई गई, दोनों बार कहीं कोई नतीजा नहीं आया और उसके बाद अब अगर इसको रिवाइज भी किया जाता, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक प्रस्ताव ये भी सुनने में आया था कि इसमें 50% और एड ऑन कर दिए जाएंगे, तो अगर 4 रुपए 85 पैसे और अगर 50% इसको बढ़ा भी दिया जाए तो मुश्किल से 2.5 रुपए का ज्यादा से ज्यादा फर्क आएगा और टोटल मिलाकर 7.5 रुपए की एक प्लेट आपके पास हो जाएगी, क्या इतना काफी होगा? नहीं, मैं आपको बताऊं 2010 में जो कमेटी बनी थी उसमें रंजन प्रसाद यादव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके हेड थे, वो हमारी ही पार्टी के थे JDU के, तो उन्होंने मुझे ये वाक्य बताया था कि ये अजीब है कि आपको 10 रुपए में मटन मिल जाता है, 8 रुपए में चिकन मिल जाता है और ये व्यवस्था 1947 से चली आ रही,
मैं आपको बता रहा हूँ, दो बार से संशोधन हुआ है आजादी के बाद से इसके रेट में, आज तक संशोधन ही नहीं किया गया। मैंने यही बोला कि हमारे देश की सबसे विडंबना है कि हम जिस धर्रे को पकड़ लेते हैं उस धर्रे को बदलने को तैयार नहीं रहते हैं और ज्ञान सबको ही देना चाहते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि तमाम सांसद जितनी सैलरी मिलती है, 50,000 कम सैलरी नहीं होती है, भत्ते भी मिलते हैं, और ये कैंटीन उनके प्राइमरी खाने के लिए नहीं रखी गई है, सबको दिल्ली में आवास मिला हुआ है, सब अपने घर में खा के आते हैं, ये है एड ऑन खाने के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल उसको बाजार दर पे कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सांसद को इसमें आपत्ति होगी, और ऐसा टॉपिक ऑफ डिबेट कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से नीचा दर्शाता है, जनता की निगाह में होती है कि सांसद सिर्फ बनते हैं आप ये सब सुविधाएं हासिल करने के लिए। ठीक है, और ये सुविधाओं को जब हम देश की जनता में सब सब्सिडी कम कर रहे हैं, डीजल सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, पेट्रोल सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम अपनी सब्सिडी सबसे पहले खत्म करें। देखिए ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अपनी सब्सिडी खुद खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है अजय आलोक जी क्योंकि 70% आबादी ऐसी है जिन तक जो भरपेट खाना नहीं खा पाती है, और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, इतना सस्ता खाना, अगर यही पैसा हम तमाम उन इलाकों में भेजेंगे या उन लोगों तक ये खाना पहुंचेगा तो वो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। और ऐसे में जबकि आप कानून लाने की बात करें कि सबको बराबर और समय से खाना मिलना चाहिए। नवजोत जी, मैं तो आश्चर्य हूं कि अभी आपकी ही क्लिपिंग में मैंने देखा कि प्रभात झा जी बोल रहे हैं कि सांसदों की सुविधा नहीं खत्म कीजिए, ये तो मिलती है नहीं तो उसकी तो सारी तनख्वाह खाने में खत्म हो जाएगी। अभी 2 महीने पहले वो कह रहे थे कि टमाटर के जब दाम बढ़ गए थे उस पर उनका क्या बयान आया था, पूरे देश ने देखा था। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि लोग की बारी जब आती है खुद अपने से करने की तो वो ज्ञान देने लगते हैं, और ऐसे हर जगह बयानबाजी करते रहेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। रंजन यादव जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी रिपोर्ट दी थी कि बिल्कुल संसद की कैंटीन को एक उच्च स्तरीय कैंटीन बनाना चाहिए जिसमें खाने की क्वालिटी अच्छी हो और जो दरें हों वो बिल्कुल बाजार दर से निर्धारित की जाएं। कमेटी में 6 सदस्य थे, 6 में से 3 सदस्य इनकी बातों से वाकिफ हैं, लेकिन अब नई लोकसभा आ गई है, अब फिर नई कमेटी बनेगी, अब पता नहीं कितने दिन में रिपोर्ट देंगे। आलोक जी कह रहे 2 बार संशोधन हुआ, सुभाष जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, नई सरकार लगातार ये कह रही है कि हम बहुत तुरंत निर्णय करने के पक्ष में है, तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो इस तरीके का एक बड़ा जो कि शर्मनाक रेट लिस्ट ये सामने है, सबसे पहले इसको बहुत जल्दी से सुधार करना चाहिए। 2002 से कमेटी पे कमेटी बन रही है और कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं सांसदों की, जो सुविधाओं का है, सुविधाएं होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो बहुत जरूरी है एक सांसद के लिए, पर वो सुविधाएं किस तरीके से मिसयूज हो रही हैं मैं उसके बारे में आपका ध्यान दिला दूं। अभी मैं देख रहा हूं कि सांसदों को टेलीफोन की सुविधा है, 1.5 लाख मुफ्त कॉल की सुविधा है, मैंने RTI से रिस्पॉन्स निकलवाया, एक सांसद पे 42 लाख रुपए का टेलीफोन का बिल बकाया है। अगर हमारा टेलीफोन का बिल 1 रुपया बकाया हो तो टेलीफोन कट जाता है, क्यों 42 लाख रुपए उसकी तरह बकाया होने दिया गया, क्यों नहीं उसकी पेंशन और जो भत्ते हैं और वेतन है वो रोक लिया गया और टेलीफोन काट दिया गया, एक लिमिट तक जहां तक उन्हें सुविधा मिली हुई है वहां तक कायम रखें, उसके बाद आम नागरिक की तरह बिहेवियर हो। रेलवे में सुविधा है आरक्षण की, आप फर्स्ट क्लास AC का कभी भी रिजर्वेशन मांग लीजिए, हमेशा ये आएगा रिजर्वेशन फुल है। वो क्यों फुल है कि सांसद महोदय उन्हें तो कोई रेल का यात्रा का भत्ता देना नहीं पड़ता, तो वो हमेशा सीट बुक करा के भूल जाते हैं, सफर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उनकी जेब से कुछ जा नहीं रहा, वो कैंसिल ही नहीं कराते। इसका जवाब ना मैं मोहम्मद अदीब साहब आपसे लेना चाहूंगी, बाकी पक्ष की भी बात करें जिसका जिक्र आप खुद शुरुआत में कर रहे थे, रेलवे की अगर हम बात करें, बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर सुभाष जी ने उठाया है। जी देखिए, अगर कोई सांसद ट्रेवल उसका रुकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रेलवे को इन एडवांस वो इत्तला करे, और अगर नहीं करता है तो वो गलत करता है, वो पाप करता है, वो एक जेन्युइन पैसेंजर के राइट्स को छीनता है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आउटस्टैंडिंग का सवाल है, अभी हमारे साथी ने एक बात कही है, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग होती है अगर हम उसको पे नहीं करते तो हमारी पेंशन से वो कटता है। मैं कई सांसदों को जानता हूं, 2 सांसद तो बेचारे बहुत ही, एक का तो अभी डेथ हो गई है, यहीं साउथ एवेन्यू में रहते थे और 3 टर्म के सांसद थे, उनके लोगों ने मिसयूज किया टेलीफोन को और बिजली को, मरते गए और आखिर मरते तक उनकी हालत ये हो गई कि उनकी पूरी पेंशन उनके एरियर में कट गई,
और वो यहाँ इसी साउथ एवेन्यू में एक दूसरे एमपी की खिदमत से ऊपर उसकी बरसाती में रहते थे वो। तो दूसरा आस्पेक्ट भी है उसका, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई मिसयूज करता है तो उसको जरूर इस्तेमाल करिए, लेकिन जहां तक सांसदों की सुविधा का सवाल है, 90% सांसद जो है उनकी फैमिलीज यहां नहीं रहती हैं, वो अगर पूरे सुबह से शाम तक रहते हैं वो कैंटीन में जाते हैं, उनको मालूम है कि हमें सस्ता खाना मिलता है। यहाँ साउथ एवेन्यू की भी कैंटीन है, मुझे याद है मैंने इसी साउथ एवेन्यू में जब मैं 48 नंबर में रहता था तो 6 रुपए की मेरी थाली थी, ठीक है, आज 40 रुपए की है, हम 40 रुपए भी पे करते हैं, अगर उसमें भी घाटा हो रहा है तो हम उससे बड़ी थाली दे देंगे। रेलवे की बात बताइए अगर वो जी, रेलवे की बात बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रेलवे में भी अगर नहीं मिल पाता है, नहीं तो फिर ऐसे में क्या किया जाए। सही बात है, देखिए लेकिन 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 ये कहना कि अगर इसके 10 रुपए बढ़ा दिए गए तो गरीब को मिल जाएगा, 75% लोगों के पास खाना नहीं है, हम सब सहमत हैं, तो जितने करोड़पति हैं उनसे कहिए अपने खाने बंद करें, क्योंकि अगर ऐसा समाज बन जाए तो देश में दिक्कत ही क्या रहेगी। तो शुरुआत आपसे क्यों नहीं, आप तो जनता के नुमाइंदे हैं, आप लोगों से शुरुआत क्यों ना की जाए। नहीं, हमको कोई एतराज नहीं है, देखिए अगर पैसे बढ़ते हैं हमको एज इंडिविजुअल कोई एतराज नहीं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो खाएंगे, नहीं कर सकते नहीं खाएंगे, लेकिन ये कहना कि हम जनता का पैसा खाए जा रहे हैं, सब भूखे मर रहे हैं इसलिए कि कैंटीन में ये लोग सस्ता खाना खा रहे हैं, ये गलत बात है। बहुत कम लोग पार्लियामेंट में खाना खाते हैं, वो लोग दिन का खाना तो जरूर खाते हैं, ग्रस्त इलाके में रहते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, आज वो तमाम लोग शायद देख रहे होंगे, अगर उन तक ये बात पहुंचती है, वो लोग भी ये जानते हैं कि सांसदों को कितना सस्ता खाना मिलता है, तो ये बताइए किस तरह की इमेज उनके जहन में बनती है। नहीं नहीं देखिए सवाल ये नहीं है, अब सूखाग्रस्त जब पड़ता है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम लोग अपने फंड से सबसे पहले वहीं पैसा भेजते हैं, सबसे पहले, इसलिए कि हम अपना कहते हैं कि भाई ये हमारा फंड है, इसको वहां डाइवर्ट, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर देने का हक हमको होता है, जिस वक्त सरकार उसको नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर करती है, सारे सांसद देते हैं, लेकिन अब ये कहा जाए कि सांसद तो दे नहीं रहा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ लोग अगर करते हैं हम उसके लिए शर्मिंदा भी हैं, हम समझते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक लेकिन है। हमारा ये भी कहना है कि अगर रेट बढ़ना है तो बढ़े, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो नियत थी कि जो फैसिलिटी देने की बात थी उस वक्त जिस वक्त ये पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, मना नहीं कर रहे, फैसिलिटीज देने के लिए बिल्कुल इनकार नहीं किया जा रहा। जी सुभाष जी, देखिए सबसे पहली बात मैं एक ये भ्रांति दूर कर दूं कि जो सांसदों का मिलने वाला फंड है वो सरकारी धन है, वो सांसदों का व्यक्तिगत धन नहीं है। दूसरी बात, मैं आदरणीय सांसद जी से ये एक निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने बड़े अच्छी अच्छी बातें हमारी माननीय स्वीकार करी हैं, कि क्या वो ये प्रश्न सांसद तक पहुंचे, संसद में उठाएंगे या संबंधित मंत्रियों से लेंगे, कि अगर कोई सांसद अपनी आरक्षित रेलवे सीट पे यात्रा नहीं करता है और उसे कैंसिल भी नहीं कराता है तो उसका पूरा जो हर्जाना है उस सांसद से वसूल किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए ये बात, नहीं होना तो चाहिए, सही सजेशन है, अगर आपकी बात सही है, अगर 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 बिल्कुल मैं कह रहा हूँ साहब, मैं आपके सामने भी कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी कहने को तैयार हूँ, आपने ये खबर दी है कि सांसद लोग ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, ये बड़ा दुखित बात है, ठीक है, एब्सोल्युटली बात उठेगी जेडीयू की तरफ से, की बात उठेगी, इस बात का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये हमने सिर्फ रेलवे का एक उदाहरण दिया है, सुभाष जी भी एग्री करेंगे, क्योंकि इस तरह के बहुत सी ऐसी चीजें जिनका मिसयूज हो रहा है। अजय जी देखिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आपको मैं बता दूं, जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया था कि आप लोग ब्लॉक मत करवाइए, संसद पार्लियामेंट में लोकसभा में ये बात, इस पर उनका भाषण हुआ था, उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत बार पाया गया है कि पूर्व सांसद जिनको जीवन भर आजीवन मुफ्त में सुविधा मिली हुई है, अकेले ट्रैवल में एसी फर्स्ट और किसी अटेंडेंट के साथ एसी सेकंड, उनके जगह पे कोई और भी ट्रैवल करते पाया गया है बहुत सारे स्टेट में, तो इस पे कड़ाई से नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने संसद में ये प्रस्ताव भी दिया था कि पूर्व सांसदों की सुविधा, ये सुविधा नहीं होनी चाहिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सहमति बनाने की जरूरत है, किसी एक आदमी के चाहने या एक दल के चाहने से नहीं होता है, ये तो संसद का विषय है, ये गंभीर विषय है, क्योंकि दुरुपयोग कहीं से आप नहीं कर सकते हैं। हर्जाना आप कैसे वसूलेंगे सांसद से, क्या वो पैसे देके टिकट तो आरक्षित करवा नहीं रहा है, वो तो अपना कूपन अपने पैड पे लिख के भेजते हैं, उनकी सीटें आरक्षित हो जाती हैं, तो क्या सुविधा, आप क्या सिस्टम है आपके पास हर्जाना वसूल करने का, कोई सिस्टम नहीं है। ये सब सिस्टम की कमियां है, मैंने बोला ना कि
तय ढर्रे पे हमारा राष्ट्र को चलने की आदत हो गई है, तय ढर्रे से उतरने को कोई तैयार नहीं होता है। तो अब जब तय ढर्रे से उतरने के लिए आज देश का युवा 65% युवा ये सोच रहा है, जो वोटर है, कि हमारे सांसदों को बदलना चाहिए, तो समय आ गया, बदलना तो पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो यही होगा, एक परसेप्शन जो बिल्टअप होते जा रहा है पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ कि हम लोग सिर्फ सुविधा लेने के लिए रहते हैं। तो ये एक चिंतनीय विषय है, सबको चिंता करना पड़ेगा इस पे। सुभाष जी, और मान कोई ना कोई निर्णय जरूर जल्दी लेना। आलोक जी भी, अजय आलोक जी भी मान रहे हैं, मोहम्मद अदी साहब भी मान रहे हैं, लेकिन रियलिटी आपको क्या लगती है, क्या वाकई ये पॉसिबल होगा, क्या सभी लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे? देखिए, सिस्टम अभी ये जो बात कही है आलोक जी ने, तो सिस्टम में रिफॉर्म की तो बात है, सिस्टम इस तरीके का किया जाए कि जिससे कि वो उन्होंने कूपन साइन किया और रिजर्वेशन हो गया, ये खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ सिस्टम हर तरीके का हो सकता है। अब दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीनें लगी हैं, उससे सुधार हुआ है अटेंडेंस में, लोगों ने टाइम पे आना शुरू किया है, ठीक है। तो क्या इस तरीके का सिस्टम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते? और जो ये पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटीज है, मैं आपको बता दूं, अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में अमेरिकन प्रेजिडेंट के लिए जो पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटी है वो सिर्फ ये है कि हाफ ऑफ द लास्ट ट्रॉन सैलरी, ना फ्री अकोमोडेशन, नथिंग, कुछ नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे हमारे सांसदों को भी और सबको भी पेंशन का मुद्दा है, 20,000 रुपए पेंशन। 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन खत्म हो गई, तो आज ये सांसदों के लिए पेंशन क्यों जा रही है? आज भी आंकड़ा पूर्व सांसदों को बताओ, और पेंशन प्रति महीने 20,000 रुपए मिलता है। आदरणीय सांसद महोदय ने फंड वाली एमपी एलईडी की बात उठाई, प्लानिंग कमीशन ने मना किया कि ये गलत चीज है। जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी साहब, उन्होंने मना किया कि ये करप्शन जनरेटेड स्कीम है। ये इस तरीके की चीजों को हटा के इन्हें नेशनल डेवलपमेंट में फंड इस्तेमाल करना चाहिए। मोहम्मद अदी साहब, पेंशन की बात यहाँ पर की है, पूर्व सांसदों को बतौर पेंशन, पहले आंकड़ा सुन लीजिए, 20,000 और प्रति वर्ष पेंशन में 1,500 रुपए की बढ़ोतरी भी होगी, ये भी है इसमें। जी जी, ये 2 साल पहले 20,000 रुपए हुए हैं, इससे पहले 8,000 या 7,000 रुपए पेंशन थी। देखिए, ऐसा है कि अगर हम एक बार पार्लियामेंट में हम हार गए, हमारा 24 आवर का काम यह है कि अगर हमको फिर पार्लियामेंट जाना है तो हमको अपनी पब्लिक में फिर रहना है और उसकी फिर दूरदर्शन देखना है। तो ये भी सोचिए कि कोई पॉलिटिशियन का कोई ये इरेड नहीं है कि वो एक बार हाउस में आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। उसकी वो इस प्रोफेशन में अगर आ गया है, अगर वो जनता के काम में लग गया है तो वो ताउमर करेगा काम। वो अभी अगर हमारे यहाँ दिन में 50 लोग चाय पीते हैं या हमसे मिलने आते हैं, रिटायरमेंट के बाद हो सकता है 20 ही लोग आए, लेकिन हमको उनकी ड्यूटी भी करनी है। सरकारी नौकर की नौकरी से जोड़कर देख लीजिए, एक सरकारी नौकर अगर उसकी नौकरी छूट जाती है, भाई उसको तो काम करना है ना, उसको सोसाइटी में रहना है, उसको काम करना है, लेकिन जिस दौरान उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन उसकी कोई लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? उसकी फैमिली की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, जैसे आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हेड करते हैं, वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैडम, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस गांव जिस कस्बे में रहता है, उस गांव की उस कस्बे की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोग उसी के घर जाएंगे, चाहे वो जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जनता की जहां से वो जीत के गया है। जब भी हारा है, जब भी उसके साथ जाएंगे। ये बड़ी बड़ी लंबी इसी बात है इसमें। जहां तक अभी आपने जो फंड की बात की, हमारे साथी ने फंड की बात की कि ये जो हमको फंड मिलता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि इस फंड को बंद होना चाहिए और इस फंड के बजाय सिगरेटियल सर्विसेज को पार्लियामेंटेरियन को देना चाहिए। हमको अगर कोई बहस करनी है, वो पैसा वहां बढ़ाना चाहिए। ये हमारे हाथ से ये जो काम होता है कि हम फंड को एलोकेट करें, ये करप्शन को बनाता है। मैंने 3 बार पार्लियामेंट में इस बात पे बहस की है कि हमारे फंड को रोकिए, हमको सिगरेटियल सर्विसेज दीजिए जो दुनिया में होता है। हमको अगर बहस करनी है तो हमें तो उसके लिए हमें जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म की जरूरत है, कुछ ना कुछ होगा रिफॉर्म में। सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय सांसद महोदय का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे अधिकतर सुझावों को स्वीकृति दी। देखिए, मैं उसके साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर सरकारी नौकर रिटायर भी हो जाता है, उसे भी समाज में रहना है, सामाजिक बंधन निभाने पड़ते हैं, उसको भी जरूरत होती है पैसे की। अगर उसकी पेंशन बंद हो गई तो वो सुधार सबसे पहले अपने घर से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं आपसे कि
कि पॉलिटिक्स को प्रोफेशन की तरीके से लेना यही देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। इसे सेवा भाव से जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो बनाया था वो एक पॉलिटिक्स को एक सेवा भाव बनाया था, पर दुर्भाग्यवश हमारे जो कई राजनीतिक नेता हैं उन्होंने इसे एक प्रोफेशनल वे दे दिया है और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी हो गई है, बिजनेस शॉप्स भी खुल गई हैं। तो ये सब सुभाष जी विचार नहीं है। ठीक है आलोक जी, समय की कमी है, समय की कमी। आप सभी यहाँ पर आए इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल ये है कि क्या सांसदों को संसद की कैंटीन में जो सब्सिडी मिलती है वो वापस होनी चाहिए या नहीं। तमाम लोग, तमाम मेहमान जो हमारे पैनल में मौजूद थे, सबने इस बात को लेकर हामी भरी है, लेकिन क्या ये बात संसद तक तमाम सांसदों के बीच पहुंचेगी और क्या सुधार होगा या नहीं, इसका इंतजार हमें रहेगा। मुद्दा में इतना ही।